नमस्कार दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं। कांग्रेस सरकार की बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ईडी को लगा है बड़ा झटका, केंद्र सरकार आ गई सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ईडी के खिलाफ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले पर ईडी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक, कहा कि केस से अपने हाथ पूरी तरीके से रोक ले एजेंसी, नहीं तो हम कड़ा आदेश जारी करने के लिए बाध्य होंगे। दोस्तों बताते चले, छत्तीसगढ़ सरकार ने ईडी द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार दावा किया था कि उत्पाद विभाग के 52 अधिकारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने ईडी को फटकार लगाई भरी कोर्ट में। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और सुमेर सोढ़ी मौजूद रहे। उन्होंने ईडी को लेकर तमाम खुलासे किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई ईडी को। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस सरकार की बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट से। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।